फिर से टीम इंडिया के कोच बनेंगे गैरी क्रिस्टन। ये बड़ी खबर अपने आप में कही जा सकती है। बीसीसीआई ने क्रिस्टन से संपर्क किया और टीम इंडिया के कोच क्रिस्टन इससे पहले भी रह चुके हैं। आपको याद दिला दें कि क्रिस्टन के कोच रहते हुए ही टीम इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था और गैरी क्रिस्टन को एक बार फिर से कोच बनाने की कवायद यहां पर शुरू हो चुकी है। क्रिस्टन के कोच रहते हुए 2011 के अंदर टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। तो एक अच्छी खबर इंडियन क्रिकेट के लिए इसको कही जा सकती है, क्योंकि गैरी क्रिस्टन को एक बार फिर से टीम इंडिया के कोच के लिए संपर्क किया जा रहा है। और आपको याद दिला दें कि जब 2011 के अंदर भारत ने धोनी के नेतृत्व के अंदर वर्ल्ड कप जीता था, उस दौरान गैरी क्रिस्टन ही भारत के कोच हुआ करते थे। तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज और टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी क्रिस्टन एक बार फिर से टीम इंडिया के कोच बन सकते हैं। 2011 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में क्रिस्टन की अहम भूमिका रही है। उस समय गैरी टीम इंडिया के कोच थे और सूत्रों की माने तो बीसीसीआई ने एक बार फिर से कोच पद के लिए गैरी से संपर्क किया है। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक गैरी को 2 या 3 बार फोन कॉल्स किए गए हैं, लेकिन गैरी अभी फैसला करने की स्थिति में नहीं है। गैरी का कहना है कि इस ऑफर के लिए हाँ या ना कहना बेहद मुश्किल है, देखते हैं क्या परिस्थितियां होती है। हालांकि गैरी ने टीम इंडिया के कोच के रूप में लौटने की संभावना से इनकार भी नहीं किया। आपको बता दें कि 2008 में गैरी टीम इंडिया के कोच बने थे और 2011 तक अपने पद पर बने रहे थे। गैरी 2011 से 2013 तक दक्षिण अफ्रीकी टीम के भी कोच रहे। फिलहाल वो क्रिकेट से दूर हैं और अपने इस ब्रेक का लुत्फ भी उठा रहे हैं।